तो गाइस अभी आ गए अपन लोग बाहर और शटल पकड़ेंगे। अभी जा रहे हैं हम फैन जोन में जाके देखते हैं वहाँ पे क्या है, क्योंकि आज डे वन है तो हम सोच रहे हैं एक्सप्लोर ही कर लें आज जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे आखिर है क्या। तो यहाँ सामने है देखो, यहाँ स्टैंड है, यहाँ से अभी शटल आएगी, यहाँ से बैठ के जाएंगे। नमस्ते, वेलकम टू उत्तर प्रदेश, ब्रेस फॉर द रेस। गाइस फाइनली वी आर एंटर इन द फैन जोन और सामने देखो यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरीके का है और देखते हैं फैन जोन में से हमें क्या देखने को स्पेशल मिलेगा। यहाँ पे भी कुछ चल रहा है, सामने यामाहा रेसिंग का, यहाँ सामने यामाहा रेसिंग का कुछ स्टॉल जैसा लगा हुआ है। सो एक्सप्लोर करते हैं यार, यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करते देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। बाकी यार गर्मी बहुत है ना, ये सब चीज़ें लेटली शाम को देखने में बहुत मज़ा आता है, शाम रहती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आई थिंक यहाँ से जो है बाइक से हमें जहाँ तक लग रहा है थोड़ा पास से देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे लगी हुई है लाइन पूरा, ये लग रहा है उस गेम वेम टाइप का होगा यहाँ पे गेमिंग, या यामाहा वालों के लिए फैन जोन है जो। बाकी हम चल रहे हैं आगे, आगे जाके देखते हैं यहाँ से कितना एंड क्या देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे ये यामाहा ने इसको लिया हुआ है और देखो R3 एंड MT-03 का लगा हुआ है, कमिंग सून, जल्दी ये बाइक आने वाली हैं, ये भी आपको देखने को दिखाएंगे अगर आती हैं तो एक बार। बेसिकली फैन जोन में अलग अलग बहुत सारे जो वो लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे मेरे देखो इधर अप्रिलिया का है, यहाँ पे RS 457 खड़ी हुई है आई थिंक सो, लगाया हुआ तो वही है। लुब्रिकेंट्स हैं इधर में, आपका डुकैती का भी लगाया हुआ है। तो अलग अलग बहुत सारे फैन जोन्स बनाए हुए हैं, तो एक एक करके सबको एक्सप्लोर कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या क्या है। देखो धूप पड़ रही थी तो टोपी का इंतजाम करना पड़ा, होंडा में जाके फ़ोटो खिंचा के स्टोरी लगा दी तो टोपी मिल गई, अभी टोपी पहन लेते हैं क्योंकि धूप बहुत हो रही है। देख रहे हो पसीने किस हिसाब से चल रहे हैं, ये देखो हमारे भैया ने तो लगा ली, उनका कुछ वो भी था करने का उस पर होल्ड करने के लिए, बट वो वहाँ पे बंदा ही नहीं था कोई, तो इसलिए हमने वो तो करा नहीं, लेकिन हमने सोचा टोपी तो ले लेते हैं, अब इसको लगा लेते हैं। अब लग गई टोपी, अब थोड़ा सा आएगा मज़ा, लुक एट दिस, सही लग रहा है ना मामला। सो गाइस वी आर एट द KTM बूथ और देखो यहाँ पे KTM की MotoGP एडिशन बाइक खड़ी हुई है और सारे जो न्यू मॉडल्स हैं ना अभी KTM के 390 और 250 वो जो जितने भी सारे न्यू मॉडल्स हैं भी यहाँ पे देखो लगाए हुए हैं सब। ये हमारा ड्यूक 390 है, इसके मैं तीनों कलर आपको दिखा देता हूँ, तो ये वाला ऑरेंज है 390 न्यू वर्जन, ये वाला ब्लू है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, ये दिस वन इज़ ब्लू और यहाँ खड़ा हुआ है वाइट, ऑरेंज वाइट। तो आपका कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मुझे तो ये जो ब्लू वाला है ना ये वाला सबसे अच्छा लग रहा है और लुक इसका एकदम इस बार सुपर ड्यूक से इंस्पायर है ना। RC 390 भी यहाँ पे देखो खड़ी हुई है, ये अपना RC 390 यहाँ खड़ी हुई है। तो गाइस ये है अप्रिलिया RS 457, ये एक मेड इन इंडिया बाइक है जो अभी हाल में ही लॉन्च हुई है, इसका प्राइस शायद अभी रिव्यू नहीं हुआ है, वो हम देख लेते हैं, पूछ के देखेंगे यहाँ पे। तो बाइक मैंने लिटरली वीडियोस में देखने पे जितनी बड़ी लग रही थी ना उतनी ही कॉम्पैक्ट यहाँ पे सामने से देखने से लग रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रही है। देखो यहाँ पे लगी हुई हैं XBHP की मशीन्स और
philosophy of the company defines a lot of the standards. ये देखो भैया बैठे हुए हैं हमारे एक्सप्रेसवे वाले, और कोई नहीं है। सो ये देखो एक्सप्रेसवे का स्टॉल पे हम आ गए हैं, और जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ ये मिल ही जाते हैं हमें। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ मिल जाते हैं भैया। आदत है हमारी। सो आज यहाँ पे क्या चल रहा है? आज यहाँ मोटो जीपी चल रहा है। हाँ, और मोटो जीपी में हमारा एक्सप्रेसवे का स्टॉल तो बड़ा ऑफिस पता ही होना ही चाहिए था। सो गाइस अभी यहाँ कोई है नहीं, शाम को आएंगे, शाम तक रुके तो देखेंगे, नहीं तो कल आते हैं, कल मिलते हैं इनसे। ये देखो ये जो खड़ी हुई है ना बाइक, ये मोटो जीपी बाइक है जो कि ट्रैक पे जाके चलाने वाली है। और ये है दुकाती की तरफ से, और यहाँ पे भी है दुकाती का स्टॉल। तो यहाँ दुकाती के सारे मॉडल्स उन्होंने खड़े हुए हैं, सारे के सारे रुपाटी के मॉडल्स आपको देखो यहाँ खड़े हुए मिल जाएंगे। स्क्रैम्बलर, आई थिंक दिस वन इज अ मॉन्स्टर। इधर वाली डियाविल है, स्ट्रीट नेकेड V4, और ये पानी काले V4 दोनों। ये वाला आपका है फेयर्ड, और ये नेक्ड वर्जन, दोनों एक ही बाइक हैं। ये पानी काले और ये स्ट्रीट फाइटर V4। बाकी इधर में इनका ऑफ रोड वाले सब लगे हुए हैं, एडवेंचर बाइक लगी हुई हैं। सो गाइज ये देखो, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से फूड कोर्ट बना हुआ है जहाँ पे आपको अपना अटोम एक्स वाला कार्ड यूज़ करना है। तो हम जो है थोड़ा सा चिल मारने के चक्कर में पी लेते हैं, कुछ ठंडा मिल जाता है पीने। तो सामने लगा हुआ है पॉप का स्टोर, देखते हैं यार इन पे ठंडा वहाँ तो मिला नहीं था, यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जाके चेकआउट करते हैं। तो गाइस लिटरली यहाँ पे ना बिसलरी वालों ने लूट मचाई हुई है यार। मतलब बोतल पे 40 रुपये लिखे हुए हैं, बोतल पे 40 लिखे हुए हैं, और बंदा 200 रुपये मांग रहा है, उसके हद होती है बताओ। बाहर फिर वो वहाँ कितने, वहाँ भी 200 का दे रहा था क्या? वहाँ तो हमने पूछा ही नहीं था ना। तो यहाँ पे देखो रेड बुल केस पे आ गए, यहाँ पे पूछ के देखते हैं यहाँ पे क्या मैटर चल रहा है भाई। तो रेड बुल का कैन 250 रुपये चला, 90 रुपये का बाहर मिलता है। भाई ऐसा करो यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं बाहर जाके किसी चाय टपरी पर रुक के चाय पानी अच्छे से पियेंगे। ये गेम क्या गेम? अच्छा ये वो वाला है, वो उसमें फंसाने वाला है अंदर, उसमें अंदर वैसे डालने का होगा, फिर कुछ उसको देंगे जो भी होगा। चलते हैं भाई, यार पानी है नहीं किसी के पास, उससे भी हमने पूछा नहीं, वो भी कहीं 200 ना मांगता उसका। भाई साहब लिटरली ये चीज़ तो देखनी चाहिए, ये चीज़ तो गवर्नमेंट को भी देखनी चाहिए, ऐसे जब ही तो लोग नहीं आएंगे यार। 200 रुपये में 90 रुपये वाली कैन अगर मिलेगी भाई, कैसे लोग पियेंगे यहाँ पे आके? अभी यार फालतू में 500 डला ली उसमें, उतने में भी बाहर निकल के थोड़ा थोड़ी देर में अब निकलते हैं आराम से, बाहर जाके कुछ भी वो करते। सो पवन कल्याण जी बताइए कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके आपको यूपी? मतलब हम 200-200 रुपये में 100-100 रुपये वाली चीज़ें 200-250 में पी रहे हैं यहाँ पे। यार ये देखना चाहिए था ऐसे, तो ये बहुत गलत बात है। मतलब देखो कुछ चीज़ें होती है, लेकिन कुछ चीज़ों मतलब जो 40 रुपये की बोतल है वो 250 रुपये की, जिस पे MRP भी लिखी हुई है। बाकी देखो अभी लिया है, मुझे तो लिया है, पीते हैं एंजॉय करते हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ और अच्छा दिखा नहीं हमें। तो यहाँ पे है टी शर्ट का स्टॉल, और यहाँ पे चल रही है ये कुछ रेसिंग टाइप का चल रहा है, दो दो बाइक्स हैं, और यहाँ पे क्यू लगी हुई है। सो
हम भी जाके लग जाते हैं लाइन में। और टी शर्ट का मैं बताऊँ, टी शर्ट आपका ऑफिशियल टाइम कीपिंग पार्टनर है मोटो जी पी का। सो लगते हैं लाइन में और चलाते हैं, हम भी ये चलाते हैं। ओके गाइज, सो आज के लिए इतना ही, अब चलते हैं घर। गर्मी बहुत ज़्यादा है और अंदर अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं मोटो जी पी 3, बाकी और रेसेज हो रही हैं, बाकी जो है क्वालिफाइंग कल होगी और फाइनल जो होगा परसों। सो मिलते हैं आपसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल, और करते रहते हैं अपडेट आपको उस हिसाब से। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। एंड सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ड्राइविंग सलूट टू बंधुआमी, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।